हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंदु कौशल। वेलकम यू ऑल अगेन इन माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक फेरी टेल लेके आई हूँ जिसका नाम है हाइडी। हाइडी इस गर्ल का नेम है और ये स्टोरी भी इसी से रिलेटेड है। हाइडी एक गाँव में रहती है और अपनी आंट के साथ रहती है, तो उसको गाँव में रहना अच्छा लगता है और वो जानवरों के साथ भी खेलती है और वो अपनी आंट के साथ बहुत खुश हैप्पीली रहती है। एक दिन क्या हुआ, उसकी जो आंट थी उनको कुछ काम आ गया अनदर सिटी में। सो उसकी आंट ने डिसाइड किया कि हाइडी को उसके ग्रैंडफादर के पास छोड़ दे। सो वहाँ पर उसने उसको छोड़ दिया। तो जब वो अपने ग्रैंडफादर से मिली तो उसको बहुत अच्छा लगा और वहाँ पर उसको एक नया फ्रेंड मिला जिसका नाम था पीटर। पीटर के साथ उसका टाइम बहुत अच्छे से पास हो जाता था, वो बहुत खुश रहती थी और दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। आपस में अच्छे से खेलते थे और टाइम स्पेंड करते थे, दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। तो एक दिन उसको अपने आंट के से मिलना था, तो अपने आंट के पास गई जहाँ पर उसकी आंट काम कर रही थी। तो वहाँ पर वो जब गई तो वहाँ पर उसको एक लड़की मिली जिसका नाम था क्लेरा। क्लेरा भी एक उसके जैसी एक छोटी सी लड़की थी, बट वो चल नहीं सकती थी, वो पैरालाइज्ड थी। तो जो हाइडी थी उसको थोड़ा बुरा लगा, बट उसने उसके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप की और उसके साथ वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई। लेकिन उनके घर में एक आंट जो वहाँ पे उसके घर में एक और आंट रहती थी जो उनकी यहाँ काम करती थी, उसको हाइडी पसंद नहीं थी, तो उसको हमेशा डांटती रहती थी। तो हाइडी को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसको थोड़ा बुरा लगता था। तो धीरे धीरे उसका वहाँ पे रहना अच्छा नहीं लगा और वो वहाँ से जाने की बात करने लग गई। लेकिन उसकी जो फ्रेंड थी ना क्लेरा, उसको पता लग गया कि उसको वापस जाना है, उसको अपने ग्रैंडफादर की याद आ रही है, अपने गांव की याद आ रही है। तो उसने उससे बात की तो हाइडी रोने लग गई कि हाँ, मुझे घर की याद आ रही है। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम चले जाना कुछ दिनों के बाद, अभी तुम मेरे साथ कुछ दिन खेलना फिर तुम चले जाना। तो हाइडी ने कहा ठीक है। लेकिन हाइडी जो थी उसको वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो जो वहाँ पे क्लेरा की आंट थी वो उसको बहुत डांटती थी, जिस वजह से उसको बुरा लगता था और वो इतनी परेशान हो गई कि रात को नींद में चलने लग गई थी। ये उसको उसके ग्रैंडपा के पास भेज दिया। तो जो हाइडी थी वो फाइनली कहाँ पहुँच गई, अपने ग्रैंडपा के पास, और वहाँ पर वो बहुत खुश हो गई, फिर से वैसे ही हंसने लगी। और हाइडी को देखकर उसके ग्रैंडफादर भी बहुत खुश हो गए और उनको भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या हुआ कि जो क्लेरा थी, जब वो हाइडी चली गई तो वो भी थोड़ा सा सैड हो गई। तो वो उससे मिलने के लिए वहाँ पर हाइडी के पास आ गई उसके पीछे पीछे। और जो क्लेरा और हाइडी जब मिले उनको बहुत अच्छा लगा। तो उसके जो क्लेरा के फादर थे उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ दिन वो हाइडी के साथ यहाँ विलेज में रहेगी और टाइम स्पेंड करेगी। तो दोनों बहुत खुश हो गई, बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रहने लगी। हाइडी और क्लेरा दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गई थी और एक दूसरे के साथ समय अपना स्पेंड करती थी और खूब खुश रहती थी। और जो उसका फ्रेंड था ना पीटर, वहाँ पर उसको थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि जो हाइडी है वो सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो क्यों क्लेरा कितनी केयर करती है, और उसको ये फील हो रहा था कि वो मुझे जो है इग्नोर कर रही है। बट हाइडी ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन जो पीटर था उसको ऐसा फील हो रहा था। तो जो पीटर था उसने डिसाइड किया कि मैं जो है इसको, हाइडी की जो फ्रेंड है क्लेरा, इसको मैं पुश करूँगा और ये पहाड़ से गिर जाएगी और इसको चोट लग जाएगी और फिर अपने घर चली जाएगी और मैं फिर से हाइडी का बेस्ट फ्रेंड बन जाऊँगा। तो उसने ये मन में सोच लिया था, ठीक है। लेकिन जो क्लेरा और हाइडी थी उनकी फ्रेंडशिप तो बहुत अच्छे से चल रही थी। इवन जो हाइडी थी ना उसने क्लेरा को फोर्स किया कि वो थोड़ा ट्राई करे चलने के लिए। जो क्लेरा थी वो डर रही थी, बट हाइडी ने उसको कहा कि तुम करो, तुम कोशिश करो, तुम ये सब कर सकते हो। और सी देखो क्या हुआ, जो क्लेरा थी वो चलने लग गई।
धीरे धीरे उसने चलना शुरू किया और ये देखकर पीटर को भी अच्छा लगा। और पीटर को ये बहुत सैड लग रहा था कि मैं क्या सोच रहा था कि मैं तो इसको पहाड़ पर ले जाकर पीछे से पुश करूँगा और इसको चोट लग जाएगी। तो पीटर को बहुत गंदा लग रहा था कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, फ्रेंडशिप में तो कितना विश्वास रखना चाहिए। और देखिए फ्रेंडशिप अगर अच्छी हो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आपका। तो देखिए कितना वो चल नहीं सकती थी क्लारा, लेकिन हार्दिक को उसके ऊपर इतना बिलीव था और अपनी फ्रेंडशिप पर इतना बिलीव था कि उसने कोशिश की और क्लारा जो है चलने भी लग गई। तो फिर आगे क्या हुआ, तो जब उसके क्लारा के फादर आए तो उनको बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी चलने लग गई है, तो उसको बहुत बहुत खुशी हुई। रायदी को उसने बहुत थैंक यू बोला कि तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। और जो पीटर था उसको भी अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ और वो उनके साथ भी उसने फ्रेंडशिप करी, अब वो तीनों बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। तो देखा अपने फ्रेंड्स, अगर आपकी जो दोस्ती है वो सच्ची है और आपको अपनी दोस्ती पर विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते। देखिए वो चल नहीं सकती थी लेकिन उसने उसको धीरे धीरे रोज़ कहा कि धीरे धीरे चले और फाइनली वो चलने लग गई। और जो पीटर था उसको अपनी दोस्ती पर इतना विश्वास नहीं था, अगर उसको विश्वास होता तो उसके ऊपर डाउट नहीं करता, जेलसी भी फील नहीं करता। लेकिन उसको बाद में अपनी गलती रियलाइज़ हुई कि हमेशा यही सोचना कि वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है ऐसा गलत है। फ्रेंडशिप को हमेशा आप मेंटेन रखिए, आप भी लॉयल रहिए अपने फ्रेंड के लिए और वो भी आपके लिए लॉयल रहेंगे। तो अपने फ्रेंडशिप हमेशा आप निभाएं और अपने दोस्तों के साथ मिल के रहें। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।